यशवी जी कैसे हैं? एक मिनट सीजन वाले पे बोल दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस सीजन वाले पे बोल दीजिए। आराम से कम आदमी है। हम लोग लगातार सृजन घोटाले को लेकर के सबूत को भी हम लोगों ने पेश किया है और इसमें मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रही, उप मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रही और मोदी जी के परिवार की क्या भूमिका रही है और कौन कौन अधिकारियों की भूमिका रही है, सब सार्वजनिक तौर पे हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। और विधानसभा में भी RBI की चिट्ठी जो कि साफ बताता है सीजन का जो इल्लीगल बैंक जो चल रहा था वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री के नॉलेज में था, 2008 का CAG का जो रिपोर्ट था उसमें भी पूरी तरीके से जिक्र था। और लगातार अधिकारियों का तबादला कर देना और प्रशासन और ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री को है और सारे मसलों को लेकर के, ये तो काफ़ी देर से ये सृजन घोटाला तो आप समझिए कि कितने दिन पहले चल रहा था। भले ही अब इसमें आज रेड पड़ा है लेकिन इसमें आप देखिएगा अभी तक सुशील मोदी क्यों बचे हुए और मुख्यमंत्री क्यों बचे हुए, तो इसमें तो देखिएगा अगर निष्पक्ष रूप से अगर जांच होगा तो सुशील मोदी जी तो जेल जाएंगे, नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। अगर बॉर्डर स्कैम में अगर ये सिर्फ है कि नॉलेज था तो नॉलेज तो मुख्यमंत्री को, बल्कि उस समय कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि ना CAG की रिपोर्ट में था ना RBI ने चिट्ठी लिखा था, यहाँ तो साफ साफ CAG भी रिपोर्ट में मेंशन है। आपका पूरी तरीके से जो SIT जो बनाई गई थी जिसमें एक चहेते अधिकारी को भेजा गया था सबूत को नष्ट कराने की, तो ये भी कोशिश की गई है। और मनोरमा देवी के बहू और बेटे हैं कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। सरकार का खजाना, ये अजूबा घोटाला है कि सरकार का पैसा किसी NGO के खाते में रहता है और NGO जो है वो लोन पे पैसा जो है वो दिया गया है, सरकार को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो उससे लेती थी, चेक जब बाउंस किए तब इसका पता चला कि किंग पिंग लोग कौन लोग थे। तो सुशील मोदी जी के नाम सारा काम किया जाता था और सुशील मोदी जी की पूरी भूमिका थी फाइनेंस मिनिस्टर। अगर ट्रेजरी में से अगर पैसा जाता है तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे, विल ही बी रिस्पॉन्सिबल और नॉट। और ऐसा वित्त मंत्री मिला जिसको खजाना जो है NGO के खाते में चला गया उसको जानकारी नहीं। जयश्री ठाकुर जो अधिकारी थी लैंड एक्विजिशन की जो अधिकारी जो रही, जो इनका जो शाखा है होम मिनिस्ट्री का आर्थिक अपराध वाला, कितनी बार रेड किया छापा पड़ा, वो चार्जशीट में अभी तक जयश्री ठाकुर का भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया। कई लंबे सालों तक वो वहीं बनी रही, तो ये साफ दिखा था कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इसमें संरक्षण काफी धीमी और भूमिका रही है, धीमी जांच हुई। और अगर निष्पक्ष जांच होगा तो सुशील मोदी जी जेल के अंदर जाएंगे। घोटाले में ही नहीं बल्कि जो बेनामी संपत्ति, असली बेनामी संपत्ति तो उनका है, जो अपने भाई को भी सगा भाई नहीं बोलते, सगे भाई को भी भाई नहीं बोलते, बोलते रिश्तेदार है, जो RK मोदी हुए या यहाँ महावीर मोदी हैं, ये तो बेनामी प्रॉपर्टी इतने इन लोगों ने बनाने का काम किया है। दिल्ली में अगर GK जगह चले जाइए, GK जो ग्रेटर कैलाश है या दिल्ली में जो पॉश इलाके हैं, तो इनकी इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं और पूरे देश भर में है, तो असली बेनामी संपत्ति तो इनके भाई बहनों के नाम पे है सुशील मोदी जी के, और संबंध भी है। पहले बोलते थे कोई व्यावसायिक संबंध नहीं, लेकिन जो डीड आपको फ्लैट उन्हीं से लिया गया, उन्हीं के बेटे को अपने भतीजे को ही पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया, तो पूरी तरीके से लिंक है। और उनके भाई जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कितना बड़ा कारोबार है, हजारों करोड़ रुपए का, जो मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ों को लिखा। और मनोज झा जी ने सुशील मोदी जी के खिलाफ CBI, ED और इनकम टैक्स को भी चिट्ठी लिखने का काम किया है, सांसदों ने चिट्ठी लिखने का काम किया, लेकिन अभी भी RK मोदी पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर अभी भी आप देखेंगे वो रिकॉर्ड में होगा ट्विटर में मनोज झा जी के, जो उन्होंने चिट्ठी जो लिखा है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सरकार है उसने सुशील मोदी जी बचे हुए हैं, अगर ईमानदारी से जाँच हो तो सुशील मोदी जी तो कई एक मामलों में फंसेंगे,
कई एक मामलों पे जेल।